हाय गाइस, एक नई गेम प्ले सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं और मेरा स्क्वाड रैंक पुश कर रहे हैं कॉन्करर के लिए। करंट रैंक मेरी है 8000। सो जो भी जिस तरह के भी मैचेस हो रहे हैं आप लोग तक शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और कोशिश करूँगा आप लोग को अच्छा थ्रिलिंग एक्शन दिखा सकूँ, अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। प्लेन पाथ को मद्देनज़र रखते हुए हमने और हमारी स्क्वाड ने डिसाइड किया कि सबसे सेफेस्ट प्लेस रहेगी जहाँ पे हमें अर्ली फाइट नहीं मिल सकती है, या अगर मिलती भी है तो हम भाग सकेंगे वहाँ से, और वो थी हमारा यासनाया। तो हमने रास्ते से उठाई एक यूएस और यासनाया की तरफ कूच करना किया स्टार्ट। तो गाइस, सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी लॉबी किस तरह की है। जैसे इस लॉबी में क्या हुआ कि बंदे काफ़ी तेज़ मर गए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रश करना पड़ गया है ना, ड्रॉप टू ड्रॉप खेला हमने। थोड़ी सी डिसेंट सी लूट लेने के बाद गाइस अब आगे बढ़ेंगे, सब ठीक ही है और ना। अलाइव काउंटर में पहला सर्किल क्लोज हुआ ही था और ज़्यादा बंदे हाँ, बचे तो नहीं मैं थे, तो हमने सेकंड डिसाइड में किया बोल कि था अब ना, थोड़ा सा ड्रॉप टू ड्रॉप खेलेंगे, थोड़ी सी अच्छा किल्स निकालने का बनेगा। ट्राई करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा प्लस नहीं देगा। सो देखते रहिए आगे। तो यासनाया से निकलने के बाद हम एक ड्रॉप पे पहुँचते हैं और लकली वहाँ पे ड्रॉप लूटने कुछ बंदे भी आए होते हैं, तो उन पे उनको टेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ से कैसे फाइट निकल के आती है। किसने करा था यार, कौन था उस कार्यालय वाला मनुष्य ड्रॉप पे? Watch out! बग्गी आई, ग्राउंड प्लेन से मरिया लॉल। रूनिक पावर से मर गया। तो इन बंदों को लॉबी का रास्ता दिखाने के बाद अब हम आगे बढ़ें जोन इन करने के लिए। अब यहाँ से जोन इन कर रहे हैं और ट्राई करेंगे कुछ फाइट भी हो जाए, बंदे मिल जाएं, कि यहाँ से 15 ही बंदे बचे हैं और जिसमें चार हम लोग भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाते में निकाल सके किल्स, तो ही कुछ प्लस मिलेगा। देन ज़्यादा आगे जाने के बाद नहीं, हमें जॉर्जो के बाहर स्क्वाड हाउस में ही बंदे मिल गए। और तो यहाँ पे बंदे ऑलरेडी फ़ाइट आपस में ले रहे थे, तो हम पहुँच गए वहाँ पे थर्ड पार्टी करने। एंड कुछ ड्रॉप पे बंदे थे, कुछ स्क्वाड हाउस से बंदे थे, तो ड्रॉप वाले बंदों को तो हमने इजीली पिक ऑफ कर लिया। मेरे टीममेट्स ने कुछ नहीं मानने देते हैं, इन लोग सब मार देते हैं। एंड स्क्वाड हाउस वाले बंदों को उस समय वहीं पे छोड़ दिया था क्योंकि हमारा एक बंदा कुछ काम आ गया था, तो हम अभी के लिए यहाँ से निकल गए थे। देन आफ्टर दैट हमने पहाड़ी पे थोड़ा सा एक्शन किया था। देखते हैं आगे। अब हम स्क्वाड हाउस वालों को छोड़ के यहाँ पहाड़ी पे आए थे और यहाँ पे एक मदहोश बंदा अपनी SKS तड़ातड़ चला रहा था, जिसको कोई होश नहीं था कि यहाँ से स्क्वाड आ रहा है उसकी तरफ। और पहुँचते ही यहाँ हमारे बंदों ने डाउन करना चालू कर दिया और यहाँ पर भी एज यूजल कोई किल नहीं निकली और सारे बंदे यही मार देते हैं साले, कुछ नहीं छोड़ते हैं, बहुत आराम ही है। तो भैया पिछली स्क्वाड में तो कुछ मिला नहीं था, तो अब स्क्वाड हाउस वाले बंदे पीछे साइन कर रहे थे, तो पहुँच गए अकेले ही उनको मारने के लिए। देखिए I'm really sorry. नॉक हो गया वो लॉल। फ्लेम्स वाला सही है, फ्लेम से नॉक हो जाते हैं बंदे। थोड़ा सा डैमेज दे दो बस, नेट करोगे यहाँ पे। अबे यार रॉम उठा ले। मैं रॉम उठा के आ रहा हूँ। यहाँ बंदे भी सही थे, वहाँ दीवार झोपड़ी वोपड़ी पता नहीं क्या क्या सब बना के खड़ा कर दिया वहाँ पे, और यहाँ मेरी एमओ ख़त्म हो गई थी, पीछे किया था एमओ लेने। अब एमओ उठा के इनको पे लेंगे। बेचारा फ्लेम से फ्लेम ही से ही मजा रहे नॉक सारे। है। राइट आ रहा है, ब्लॉक शॉट के कह वाले रहा को मारा अभी, लेफ्ट से कर रहा था फ्लैंक। अभी राइट में देखता हूँ। हाँ दिखे दिखे, हाँ नाम ले। दिखे। ऑल रेड, नाइस। अब हम्म,
बंदों का तो यहाँ पे हो गया काम तमाम, और अब बचा था बस एक ही बंदा, मैंने उसको भी ढूंढ के गिरा ही लिया था। देख लीजिए वो भी जाते जाते कैसे मारा था डिस्कॉर्ड से। वैसे तो मैं कह रहा था कि मुझे मारने दो, एक किल और कर लेने दो, लेकिन नहीं करने दिया। देखिए और यहाँ पे बंदा भी स्मार्ट था, जब इसको चारों तरफ से घेरा गया तो इसने अपने अगल बगल दीवारें खड़ी कर दी कि नहीं दूंगी चाहे जो कर लो। तो काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी कोशिश करी मैंने उसको मारने की, कि हमारे नंबर तीन ने जलवा भी घेर दिया और उसको पेल दिया। ख़राब लगा, दिल से बुरा लगा। तो उसी गुस्से में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं काम करता हूँ, दीवारों में गड्ढे करता हूँ, तो मैं दीवार में गड्ढे करना शुरू कर दिए थे। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ अपने, एंड माफ़ी अगर आप लोग को मेरी कमेंट्री अच्छी ना लगी हो इस पर, बट मैं फिर भी करूँगा, करता ही जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, प्रणाम, पैरी पुना, बाय।